नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शर्मा जी एजुकेशन के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन केमिस्ट्री के। ऑलरेडी इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं सारे डिस्कस कर चुका हूँ सॉल्यूशन चैप्टर के, तो इसके अंदर हम क्वेश्चंस जो डिस्कस करेंगे वो होंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, यानी जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है उसके हम क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं थ्योरिटिकल पार्ट कवर नहीं करूंगा, आई विल कवर ओनली न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल पार्ट में जितना भी क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस करेंगे इसके अंदर, तो बने रहिए मेरे साथ अगले टाइम तक। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 2.4, द कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन लैबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सोल्यूशन। What should be the molarity of solution as a sample of acid if the density of the solution is 1.504 gram per ml? So you can use your formula, you can use your concept to solve this question. अपने concept आप लगाइए, आपने solution chapter पढ़ा होगा तो उसके concept लगाने के बाद, concentration term लगाने के बाद आप इस question को solve कर सकते हैं। तो solve करिए इस question को, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो हमको गिवन है कि मास ऑफ सोल्यूशन हमको दिया हुआ है 100 ग्राम। क्यों ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि आपको परसेंटेज दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड का मास परसेंटेज। तो अगर मास परसेंटेज आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का फॉर्मूला याद है तो आप इसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट इन मास ऑफ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन आपका 100 ग्राम है उसमें से 68 ग्राम क्या है आपका HNO3 है, ठीक है। सो HNO3 आपका हो गया 68 ग्राम और सॉल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम। मोलर मास ऑफ HNO3 आपको पता होना चाहिए, तो मोलर मास ऑफ HNO3 आप निकालोगे तो आपका आएगा 63 ग्राम पर मोल। अब आप यहां से मोल्स निकाल सकते हो HNO3 के, तो HNO3 के मोल्स हो जाएंगे 68 डिवाइडेड बाय 63, डेट इज इक्वल टू 1.08 मोल। ये क्या हो जाएगा, 1.08 मोल हो जाएगा। देन कैलकुलेट, आपको दी हुई है डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब डेंसिटी देने का एक प्रॉफिट ये है कि आप यहां से वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। अब वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मास आपको पता है, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, ठीक है, और सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको पता है 1.504 ग्राम। देन यू विल कैलकुलेट द, यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम आसानी से, मास अपॉन डेंसिटी आप करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका। तो 100 डिवाइडेड बाय 1.504 ml, ये क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। देन कैलकुलेट द मोलैरिटी, मोलैरिटी का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स तो आपके 1.08 है, लीटर ऑफ सॉल्यूशन आप कन्वर्ट करोगे तो ये तो वॉल्यूम है, 100 डिवाइडेड बाय 1.504 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, और ये ml वैल्यू देन आपको 1000 से इसको डिवाइड करना था, वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में यहां पे चला जाएगा। सो द मोलैरिटी शुड बी, कितने आएगा आंसर, कितना आएगा 16.24 मोलर, ठीक है। तो ये आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 2.5 सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वट शुड बी द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन द सोल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, देन वट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। दो चीजें आपसे पूछी हुई है, आपको मोलैरिटी भी कैलकुलेट करनी है, मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना है, और उसके बाद डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी देने के बाद आपसे मोलैरिटी भी पूछ रहा है। तो आपको बस सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दिया हुआ है कि ग्लूकोज इन द मिक्सचर 10 ग्राम है। ऑलरेडी जो 10 ग्राम हमने क्यों लिया, क्योंकि परसेंटेज है, 10% है, तो 10% का मतलब 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर 100 ग्राम में जो ग्लूकोज का पार्ट है वो कितना है, 10 ग्राम है। तो मोल फ्रैक्शन आप ग्लूकोज निकाल सकते हो, आप 10/180 करोगे आप, तो मोल फ्रैक्शन आप ग्लूकोज आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 0.056 मोल। अब वाटर इन मिक्सचर देखो, टोटल सॉल्यूशन है आपके पास 100 में से 10 तो आपका ग्लूकोज हो गया, तो रिमेनिंग क्या हुआ, वाटर बचा है, तो वाटर कितना है 90 ग्राम, वाटर आपके पास कितना है 90 ग्राम, ओके। सो आप मोल्स निकाल सकते हो वाटर के, तो वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे, 90 डिवाइडेड बाय 18, क्योंकि वाटर का मॉलिकुलर मास कितना होता है 18, सेम ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास कितना होता है 180, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 90/18 इज इक्वल टू 5 मोल्स। अब आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। अब जैसे अगर मेरे को ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ग्लूकोज के मोल मैं ऊपर रखूंगा न्यूमरेटर में,
और उसको डिवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन के टोटल मोल से। सॉल्यूशन के टोटल मोल में कैसे निकालूंगा, जो आपका सोल्यूट है और सॉल्वेंट है दोनों के मोल क्या कर दो आप, ऐड कर दो। सॉल्वेंट का मोल है आपके 5 मोल और सोल्यूट का मोल है आपका 0.056, दोनों को ऐड करोगे तो कुछ वैल्यू ये आ जाएगी 5.056। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.011। अगर आपको निकालने हैं वाटर के मोल, ठीक है, ग्लूकोज के तो निकल गए 0.011, तो वाटर के निकालने के लिए आपको क्या करना है, अब दोबारा ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अब अपन क्या कर लेंगे 1 माइनस कर लेंगे, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है सॉल्यूशन के 1 होता है। देन हम इसमें से माइनस कर देते हैं 1 माइनस 0.11, दैट इज इक्वल टू 0.011 एक्चुअली, ओके क्या हो गया ये 0.011, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.989, ओके। अब अपन को कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैलिटी का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.56 डिवाइडेड बाय 90, और ग्राम में है तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इट मींस कि इसको डिवाइड किया डेट इज कि वो न्यूमरेटर में चला जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 0.622 मोलल, क्या वैल्यू आएगी मोलल, ठीक है। अब आपको निकालना है मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब लीटर ऑफ सोल्यूशन कैसे करोगे, देखो मास ऑफ सोल्यूशन कितना 100 ग्राम, उसको डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, डेंसिटी आपको गिवन है 1.2, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ये नीचे वाला जो पार्ट बनेगा ये क्या बन जाएगा वॉल्यूम बन जाएगा, और अब वॉल्यूम आपका ml में आएगा तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका लीटर में हो जाएगा कन्वर्जन, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.672 m यानी मोलर, ठीक है। दोनों में अंतर है, ऊपर वाला स्मॉल m था नीचे वाला कैपिटल m है, यानी ऊपर वाले को मोलल बोलते हैं नीचे वाले को मोलर बोलते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2.6। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3, ठीक है, कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। दोनों में जो मोल्स हैं मतलब सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम के अंदर जो भी रिएक्शन होगी उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के मोल क्या हैं बराबर है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, अगर आप रिएक्शन लिख के बैलेंस कर पा रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत जरूर आएगी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, उसको हम मान लेते हैं x ग्राम है, ठीक है, x ग्राम है, टोटल कितना है हमारे पास 1 ग्राम मिक्सचर है, तो Na2CO3 अगर x ग्राम है तो इसके मोल निकाल सकते हैं, x डिवाइडेड बाय 106 मोल, ऑब्वियस। सेम हम NaHCO3 निकाल सकते हैं, देखो 1 ग्राम मिक्सचर है टोटल, उसमें से x ग्राम माइनस कर दूंगा तो वो आ जाएगा 1 माइनस x ग्राम, ओके। और इसके भी मोल निकाले जा सकते हैं, इसके मोल कैसे निकालेंगे 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 84, दैट इज इक्वल टू जो भी आएगा। अब हमको गिवन कंडीशन है कि दोनों इक्विमोल है, यानी जितने मोल आपके सोडियम कार्बोनेट के हैं उतने ही सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं, तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं, दोनों को इक्वल रख लेंगे तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो आसानी से अगर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो आप यहां से यूज कर सकते हो आगे। तो सोडियम कार्बोनेट कितना हो गया 0.56 ग्राम, यानी आप इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, कैसे करोगे 0.56 को 1.106 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.283 × 10⁻³ मोल। तो जितने मोल आपके Na2CO3 के उतने ही आपके कितने थे NaHCO3 के थे, यानी सोडियम कार्बोनेट के, तो उसके भी कितने होंगे 5.283 × 10⁻³ मोल। अब हमें एक रिएक्शन लिखनी है, Na2CO3 को HCl से रिएक्ट करते हैं तो बनता है NaCl और 2H2O CO2। सेम NaHCO3 को HCl से रिएक्ट करोगे बनेगा NaCl H2O और CO2। बट Na2CO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए आपको 2 HCl चाहिए, NaCO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए आपको 1 HCl चाहिए, यानी Na2CO3 के 1 मोल के साथ 2 HCl और यहाँ पे NaCO3 के 1 मोल के साथ 1 HCl, तो टोटल HCl हो गया हमारे पास 3 HCl रिक्वायर्ड है आपको रिएक्ट करने के लिए। अब हमारे पास टोटल मोल कितना है, हमारे पास टोटल मोल है ये जो वैल्यू है, तो हम HCl के मोल निकाल सकते हैं, तो 3 मोल रिक्वायर्ड थे इनके एक एक के लिए, हमारे पास टोटल मोल इनके कितने है? ये वाले मोल है, ठीक है, तो ये मोल है, तो इसके साथ हम निकाल सकते हैं 3 into this value जो आपने निकाली है NaCO3 और Na2CO3 की मोल वैल्यू,
तो वहां से आपके पास HCl के मोल रिक्वायर्ड जो थे वो आ जाएंगे 3 × 5.28 × 10⁻³ मोल, इतने मोल की रिक्वायरमेंट हमको है HCl की। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने एक लेट कर लिया कि मिक्सचर का वॉल्यूम होगा V, ठीक है, V कुछ वॉल्यूम होगा ml में। तो अपन ने क्या करा कि उसी को कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मोल तो हमें पता ही, तो मोल निकालने का तरीका भी हमें पता है, एम बाई वी क्या होता है, मोल होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होते हैं, मोल होते हैं। तो मोलैरिटी आपको गिवन है 0.1 मोलैरिटी है, तो 0.1 मोलैरिटी को आपने यहां से कन्वर्ट कर लिया, 0.1 मोलैरिटी हो गई इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर होनी चाहिए, इस मोल के बराबर होनी चाहिए। तो इस मोल के बराबर जो भी वैल्यू होगी आप यहां से V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो V की वैल्यू आपकी आ जाएगी 158.5 ml, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2.7। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ऑफ 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की, तो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको दिया हुआ है 300 ग्राम ऑफ 25% बाय मास, यानी 75 ग्राम आपका उसके अंदर क्या होगा, सॉल्यूट होगा। 400 ग्राम दिया हुआ है 40% बाय मास, यानी उसके अंदर 160 ग्राम सॉल्यूट होगा। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 75 + 160 = 235 ग्राम। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे होगा, 300 + 400 = 700 ग्राम आपका सॉल्यूशन बन गया। ये वैल्यू सॉल्यूट की है, सॉल्यूशन की वैल्यू। अब आप मास परसेंटेज निकाल सकते हो, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूट आपका 235 है और आपका सॉल्यूशन है 700 ग्राम, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, डेट इज इक्वल टू 33.5%, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 22.6 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, ये आपको मॉलिकुलर फॉर्मुला दिया हुआ है, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर ml, देन वट शेल बी द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो कैलकुलेट द मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, उसके बाद डेंसिटी दी हुई है तो मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब दोनों क्वांटिटीज हमको कैलकुलेट करनी है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको गिवन वेट है 222.6 और इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला दिया हुआ है उससे आप उसका मॉलिकुलर मास निकाल सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो, डेट इज इक्वल टू 62। तो ये आपके ओवरऑल क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे ग्लाइकोल के। और आपको सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को केजी में बदलोगे तो 0.2 kg आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 17.95 mol/kg, ये आपकी मोलैलिटी आ गई। उसके बाद बात कर रहे हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। देखो इतना ही जो वैल्यू है ये आपके सॉल्यूट की है, ठीक है, और 200 ग्राम वैल्यू है वो सॉल्वेंट की है। और सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट हो गया 222.6 प्लस सॉल्वेंट हो गया 200 ग्राम, तो डेट इज इक्वल टू 422.6 ग्राम। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए मास अपॉन डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, डेंसिटी से डिवाइड कर दो। मास आपके पास है 422.6 और डेंसिटी है 1.072 ml, तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी समथिंग दिस 0.4226 / 1.072 L में, यहां पे ml था, यहां पे लीटर कन्वर्ट हो गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे मोलैरिटी, मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल्स कितने हैं 222.6 डिवाइडेड बाय 62 और लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 0.4226 डिवाइडेड बाय 1.072, दैट इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9.107 molar, कितनी आ जाएगी मोलर, ठीक है। तो ये हमारी मोलैरिटी फाइंड आउट हो गई। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A sample of drinking water was found to be a severely contaminated with chloroform CHCl3, supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm. 15 ppm by mass. Express this in percentage by mass. Determine the molality of the chloroform in the water sample. आपको molality find out करनी है, percentage by mass find out करना है। तो कैसे find out करेंगे?
सो 15 ppm मींस क्या होता है, 15 ppm का मतलब होगा 15 पार्ट इन 1 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, ठीक है, बाय मास इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब परसेंटेज बाय मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना 10 टू द पावर 6 इनटू 100, तो आपके पास परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 इनटू 10 टू द पावर -4%, ठीक है, ओके। अब आपको निकालना है मोलैलिटी, मोलैलिटी का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, मोल्स ऑफ आपका CH जो आपका क्लोरोफॉर्म है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का जो वेट है या मास है वो, तो मोल्स ऑफ CHCl3 कितना हो गया, 15 डिवाइडेड बाय 119.5, ओके। और ये kg ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3, ये ml में था, इसको 10 टू द पावर 3 से डिवाइड किया तो ये हमारा लीटर में हो जाए, मतलब उसमें हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ये केजी में था, मतलब ग्राम में था, ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इससे जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, मतलब ये ग्राम में था, ये केजी में कन्वर्ट किया तो मोलैलिटी आपके पास आ गई, तो वो इक्वल टू आएगी 1.255 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलल, कितनी आएगी 1.255 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इनटू 10 टू द पावर -3 ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार, इफ द सॉल्यूशन कंटेन 5 इनटू 10 टू द पावर -2 ग्राम ऑफ इथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस फाइंड आउट करना है तो आप इसमें लगाइए फॉर्मूला, आप हेनरी लॉ लगा सकते हैं, आपको राउल्ट लॉ पता है, राउल्ट लॉ लगाइए आप, पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा लॉ लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो हेनरी लॉ आपका कहता है कि मास जो डिसॉल्व हुआ है वो क्या होगा, KH into P, पार्शियल प्रेशर। पहले केस में आपको कह रहा है कि 565, यहां पे आप सीधे वैल्यू ऑफ पुट करेंगे 6.56 into 10 to the power -3 ग्राम is equal to KH into 1 bar, तो KH की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी 6.56 into 10 to the power -3 ग्राम पर बार, तो ये आपके पास KH की वैल्यू होगी। अब सेकंड केस में KH तो चेंज नहीं हो रहा है ना, KH की वैल्यू हमारी यहां से फाइंड आउट हो गई, आपके पास मास पता है, आपको प्रेशर निकालना है कि इतना कैसे डिसॉल्व होगा, तो मास पता है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, KH आपको पता है 6.56 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम पर बार इंटू प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 6.56 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज इक्वल टू 7.62 बार, ओके। सो गाइज ये थे हमारे अभी तक के क्वेश्चन जो लेके आया हूं मैं इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो जुड़े रहिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।